मतलब थानू किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, थोड़े ना किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं साध्या गया, हले तक कोई राबता नहीं है, पर जो तुम राबता करते हो तो कहते कि करांगे कुछ। एक एक किलोमीटर दो दो किलोमीटर की लाइन लग गई है आउटसाइड द स्टोर। एक गल नहीं है क्योंकि रूसी रहते हैं तो यूक्रेन भी बनी रहते हैं, तो अगर कीव जीत गया तो सब खत्म। कोई खबर नहीं है कि सानू कदम मूव करेंगे तो कितने मूव करेंगे। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब ते मैं हाँ साहिल, ते स्काई न्यूज़ पंजाब ते लैके हाजिर हाँ थोड़े नाल एक वड्डी खबर। वड्डी खबर जुड़ी हुई है यूक्रेन च वसदे पंजाबी स्टूडेंट्स दे नाल, पंजाबी विद्यार्थियों दे नाल, या मैं कहां भारत दे विद्यार्थियों दे नाल। वड्डी गिनती दे विच भारत तो विद्यार्थी जिहड़े ने अखां दे विच वड्डे सुपने लैके जांदे ने, बाहरलियां मुल्कां च पढ़न जांदे ने, जिद्दां कि ये विद्यार्थी यूक्रेन च पढ़न गए सी। यूक्रेन च पढ़द्या इन्हां नूं अंदाज़ा भी नहीं सी कि शायद रूस अते यूक्रेन दा युद्ध छिड़ जाएगा, जिस तों बाद उन्हां दे सुपने कितने कितने विचाले रह जाणगे। ते जेकर गल कीती जावे इन्हां दे मनां दे विच हुण इही फिकर है कि उह वतन अपने मुल्क किस तरीके वापस परतन। हालांकि गल कीती जावे भारत सरकार दी तां भारत सरकार वल्लों वड्डे दावे कीते जा रहे ने। मिली जानकारी मुताबक अज रोमानिया तो एक फ्लाइट बॉम्बे नू यानी कि मुंबई नू उड़ान भरी है, जिस 219 जिहड़े स्टूडेंट्स ने 219 जिहड़े विद्यार्थी ने वो शामिल ने। पर हले भी यूक्रेन के कुछ अजिहे इलाके ने जिन्हां तों स्टूडेंट्स उस थां ते पहुँच ही नहीं पा रहे जिथों फ्लाइट्स चलन की भारत सरकार वल्लों गल की जा रही है। किस तरीके के हालातों चो स्टूडेंट्स जी रहे हैं इस नूं खुल के बयान करन लई मेरे नाल आकर्षण ने जो कि यूक्रेन दे विच ने। असीं उन्हां को जाणांगे कि यूक्रेन दे कि हिस्से विच ने, वो पंजाब तो किहड़े हिस्से दे ने, ते किस तरीके दे नाल किहड़ी कंडीशन दे विच रह रहे ने। सो आकर्षण तुसीं मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। सो आकर्षण किस तरीके दे हालात ने इस वेले? असी वैसे सारे जने जिन्हें भी भारत या पंजाब दे विच लोग बैठे ने असी सारे कामना कर रहे हैं तुसी ठीक होवोगे, सेहत ठीक है थोड़ी? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, सेहत बिल्कुल बढ़िया। गुड। सो की हालात ने इस वेले दे? पहले तो आप ये जानना चाहवांगे तुसी यूक्रेन दे केड़े हिस्से दे विच हो? ये सी यूक्रेन दे हम बिल्कुल ईस्ट साइड दे शहर हैगा खारकीव जी। ते रशिया बॉर्डर दे किन्ना कि दूर हैगा? रशिया बॉर्डर तो रशिया बॉर्डर कोल मतलब पास तो नहीं हैगा, दूर ही हैगा, बट इथे लाइक सेलिंग होंदी पई ते एप्रोक्सीमेटली 90 टू 80 किलोमीटर डिफरेंस। ਮਤਲਬ 90 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ from their doors and the side, but the problem ye hai ki assi bilkul east side mein te the evacuation flight the totally west side, so haje utthe tak jana hi is the main difficulty। मतलब जिस थां ते तुसीं हैगे हो इवैक्यूएशन ओ तो काफी दूर हो रही है, भारत सरकार वालों अरेंजमेंट काफी दूर कीते गए ने। हां दूर कीते गए ने, ते एग्जांपल के तौर पे अगर ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਬੱਸ ਤੇ 13 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਗੋ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਟਰੋਸ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਕਿਉ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬੰਕਰ ਬੰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰੋ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰਮ ਮਾਈ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ हां ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਸਮ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ क्योंकि सुनने च यह भी आ रहा है कि कुछ एक ट्रेन जीडिया ने कितने ना कि काम कर रही ने कुछ एक वीडियो सामने आई ने ट्रेनस नू लैके कि ट्रेनस चलिया भी सगिया एक थान तो दूजी थान के लिए क्या यह भी जा रहा है कि अंबैसी वाले जिहड़े जिहड़े भारतीय दूतावास उत्थे हैगा वो ये कह रहे कि तुसी पोलैंड नू शिफ्ट हो जाओ या फिर रोमानिया पहुँचो तो तुसी भी अंबैसी गए सी जिहड़ी जिहड़ी तुहाडे उत्थे जिस जगह तुसी गए कि उत्थे लागे ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਬੈਸੀ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਹੈ ਬਟ ਐਂਬੈਸੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਪਿਕਡ ਦਾ ਕਾਲ We have filled so much of forms here, like different Google Docs forms. But I don't know. But they are saying that yeah, it has been started. Karange, zaroor karange. But till now, no news that how we will be going there. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੈਡ ਐਗ ਐਂਡ ਆਲ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤਾ ਬਟ ਦੇਰ ਇਸ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੋ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੋ ਸਟੋਰ ਆਰ ਓਪਨ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਡ ਲਾਈਕ ਟਿਲ 4 ਪੀ ਐਮ ਸਟੋਰ ਆਰ ਓਪਨ ਬਟ ਗੋਇੰਗ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਚੇਸ ਐਂਡ ਗੋ ਦੇਰ ਆਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲਾਈਕ ਜਾਂਦੇ ਫਲੈਟ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਚਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5-6 ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਲਾਈਕ ਜਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕਰਸ ਜੋ ਕੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ 24/7 ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ ਬਟ ਯਾ ਲਾਈਕ ਬੀਚ-ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ 3-4 ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਭੀ ਲਾਈਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ
सुनने च आ रहा जिस इलाके च तुसी हैगे हो उस थां ते काफी रूसी लोग भी रहिंदे सी, रूस तो आए हुए लोग भी रहिंदे है, इस गल च किन्ना सच है क्योंकि ए ए गल्लां भी सामने आ रही ने। नहीं ऐसा कह नहीं सकते, हाँ इस बात ये थी कि जो खार्की सीगा वो सबसे पहला कैपिटल सीगा यूक्रेन का, जब यूक्रेन अंडर ऐसी रशिया तो सबसे पहला कैपिटल खार्की थी, बट उस तो बाद मैंने की बनाया, बट ऐसे एक गल नहीं है क्योंकि रूसी रहते हैं यूक्रेनियन पीपल ही रहते हैं ज्यादा, यूक्रेनियन ही होते रहते हैं। हाँ जी, बस ये कि बॉर्डर तो पास है ना, गंभीरता ज्यादा होगी, खतरा भी ज्यादा होगा क्योंकि जो बॉर्डर के बिलकुल नाल है शेलिंग की तुसी गल कर रहे हो। गंभीरता है की, बट इन्हों का प्लान अजे की कैपिटल की ऑक्यूपाई करना है साउथ, there is a city Odessa, the key to Odessa, or Odessa mein bhi kaafi like zyada chal rahi hai in terms of size and all, so from like inka plan whatever I can say is like from north to south, north to south, so yeah Kharkiv close hai border ke but serious nahi hai utna kyunki unka main focus Kyiv hai, main focus hai rajdhani Kyiv de utte hai, Kyiv hai because agar Kyiv jeet gaya to sab khatam obviously। जे मैं गल करा जिदा तुसीं दस्सिया कि तुहाडा पोलैंड तो लैके रोमानिया तक जे मैं गल कर जिस स्थान तुसीं हैगे हो उत्थों रोमानिया उत्थों पोलैंड बेहद दूर है, हुण किस तरीके दी जदों तुसीं एम्बैसी नूं फोन करदे हो या उन्हां नाल कॉन्टैक्ट करन दी कोशिश करदे हो उन्हां वल्लों की कहा जांदा, खास करके तुहाडी इस ट्रैवल नूं लैके उन्हां वल्लों कोई अरेंजमेंट कीते जा रहे हैं, कोई तुहानूं हाले तक कोई नोटिफिकेशन पहुंचिया कि अज तुसीं इस थां तों तुसीं मूव करना है, तुहाडे लई आपां परमिशन लै लईए, कुछ कीता कोई गल होई है? बिल्कुल ही नो नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है कि सानू कदम मूव करेंगे तो कितने मूव करेंगे तो किवे मूव करेंगे, कुछ नहीं पता। असी राइट नाउ पर मोर डिपेंडेबल ने जो साडे एजेंट्स विद साडे कॉन्टैक्टर्स ने मींस दे आर डूइंग मोर एज कंपेयर टू द इंडियन एजेंट्स, मतलब जेडे एजेंटा दी मदद ना तुसी उथे पहुंचे हो ओ ज्यादा कर रहे ने थोड़े लिए ना कि एम्बेसी। हाँ एम्बेसी मतलब कोई न्यूज़ नहीं है, एम्बेसी कीव से है कि एम्बेसी अभी कीव के बच्चों की मदद नहीं कर पा रही है, तो असी की एक्सपेक्ट कर सकते हैं कीव से मेरा फ्रेंड फसया हुआ कीव से, वो कह रहे कि एम्बेसी ने किया कि तुसी भी तुहानू खुद ही लेना पैना खाने का समान, तुसी खुद देख लो जो कीव के बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो असी हम की कर सकते हैं, पता कि उन्होंने मतलब उन्होंने तुहानू आप मुहारे कर दिता कि तुसी आपे करो जो करना, उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया बट वो कह रहे हैं कि ऐसे देख रहे हैं करते पाए, बट नो आइडिया बिकॉज इसमें लाइक 500 बच्चे हैं 1000 बच्चे हैं केवल केवल यहाँ ही, मैं कुछ मेरे को आइडिया नहीं, अगर मैं जस्ट गेस भी करूँ तो 2000 तो 3000 बच्चे हैं जस्ट हेयर जिस जगह तुसी रह रहे हो खार्की। हाँ खार्की इंडियन स्टूडेंट, सो ऑल ओवर यूक्रेन, ऑल ओवर अदर सिटीज, पता नहीं कितने बच्चे हैं। क्योंकि लगातार सरकार वालों गल्लां कीतियां जा रही हैं, दो फ्लाइट्स की गल भी की जा रही थी जिन्हां चों अज एक फ्लाइट जिहड़ी है रोमानिया तो उड़ान भर के बॉम्बे पहुँच रही है जो कि जानकारी सामने आई है, सो तुहानूं की लगता कि इस वेले हालात किस तरीके नाल हो सकते हैं क्योंकि तुहानूं उत्थे नोटिफिकेशन जिहड़ी यूक्रेन सरकार वालों यूक्रेन प्रशासन वालों ज़्यादा दित्तियां जा रही ने, कि उन्हां हाले यूक्रेन सरकार वालों तुहानूं की दिलासा दिता जा रहा, किस तरीके नाल उह तुहाडे लई कर रहे हैं? यूक्रेन सरकार रही है, यूक्रेन सरकार सानू लाइक नोटिफाई कर रही है, सानू डाटा दे रही है कि तुसी सेफ रहो, ते नोटिफिकेशन जारी कर दी कि सपोज जे सेलिंग हुई होए तो तुसी चेक करो तुहाडे कोल नियरेस्ट शेल्टर किहड़ा है, तुसी रश करो, ते उन्होंने भी कीती, उन्होंने ऐसा नहीं कि सारी शॉप्स क्लोज कर दी है बिल्कुल ही, तुसी कुछ लै ही नहीं सकते, उन्होंने भी ओपन कीती है लाइक टिल 4 लाइक दे हैव ओपन द ग्रोसरी स्टोर्स सो वी कैन गो देयर। बयान करना चाहो टिल नाउ फ्रॉम माय आईज आई हैवंट सीन लाइक एनीथिंग, जस्ट लाइक साउंड्स आर देयर
केवल आवाज सुनेगी क्योंकि इतने शेलिंग दूर हो रही है जो लाइक 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर तो बस साउंड भी पहुंच पा रही थी, विजुअल नॉट आ रहे बट या इमेजेस आर देयर व्हिच वी आर गेटिंग ऑन टेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स की सिटी की वीडियोस आ रही हैं क्लिप से की हो रहा की नहीं हो रहा वीडियोस पर देखे तो मेरी लड़ाई अभी तक कुछ नहीं देखा है। वड्डी गल ये है कि तुसी बॉर्डर दे बिल्कुल नज़दीक हो पर तुसी सेफ हो, ये कितना कितने एक जिहड़े तुहाडे परिवार जिहड़ा इत्थे बैठा उहनां लई कितने कितने एक सुख दा साह जरूर है पर हाले भी जिहड़ी है समस्या जिहड़ी उह टली नहीं है। टली नहीं है बिल्कुल, अभी तो शूटिंग स्टार्ट हुई है, पता नहीं कदों टलेगी। सो कर्शन असीं उम्मीद करदे हां कि तुसी छेती घर वापसी नूं घर वापसी करो, घर जल्दी परतो, अपने परिजनों को अपने परिवारक मैंबरों को पहुँचो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो तो सही रहो जब तक तुम उत्थे हो। तो स्काई न्यूज़ पंजाब भी थोड़े लिए तो थोड़े जिन्हें भी दोस्त या थोड़े जिन्हें भी लोग उत्थे इस वे फसे हुए ने कामना करता कि छेती तो छेती तुम अपने परिवारक मैंबरों को पहुँचो तो सेफली पहुँचो। बहुत बहुत धन्यवाद। सो इस यूक्रेन तो आकर्षण जो कि लुधियाना के वासी ने लुधियाना के रहने वाले ने जिन्हें दसे कि हालात बने हुए हैं, हालांकि जिस थान पर आकर्षण ने वह थान रशिया के बॉर्डर के रूस के बॉर्डर के बेहद नज़दीक है। इन्ह का यह कहना है कि जिहड़ा असल जिहड़ा वार हो रही है असल जिहड़ा जिस थान नूं ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है वह यूक्रेन की राजधानी कीव च हो रहा है। जिहड़ा इलाके च हैगे ने बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, हालांकि इन्हां दे इलाके दे आस पास कितने कितने शैलिंग दी आवाज़ां इन्हां नूं जरूर आ रही ने जो इन्होंने दस्या, पर इन्हां दे कहने के उत्थे जिस थां ते हैगे ने उत्थे हालात कितने कितने कंट्रोल च ने। पर सब तो वड्डी गल इत्थे ये आती है कि जदों भारतीय दूतावास के नाल इन्हां स्टूडेंट्स वालों इन्हां छात्रां वालों इन्हां विद्यार्थियों वालों कॉन्टैक्ट किया जाता तो वो इको दिलासा दिंदे ने असीं कर रहे हैं, पर वड्डा सवाल इत्थे आंदा क्योंकि जिस इलाके दे विच बच्चे ने जिस इलाके दे विच स्टूडेंट्स ने उत्थों एक वड्डा सवाल यह आंदा कि जिस इलाके तो इवैकुएशन की जानी है वह इलाका इन्हां तो काफ़ी दूर है तो इन्हां स्टूडेंट्स नूं उस थां ते किद्दां लैके जांदा जाएगा क्योंकि जिवें आकर्षण दी मना आकर्षण ने दस्सिया कि 12 to 14 घंटे का रस्ता नॉर्मल यानी कि आम परिस्थितियां दे विच हैगा, पर जिहड़ी परिस्थिति उत्थे चल रही है उस परिस्थिति दे विच किन्ना टाइम दा रस्ता होएगा कि वह रस्ता सेफ होएगा किस तरीके दा भारत सरकार इस चीज़ को मैनेज करेगी तो जिस लोकेशन दे विच आकर्षण वर्गे विद्यार्थी बैठे ने उन्होंने पोलैंड या फिर रोमानिया वर्गी थां ते किद्दां लैके आएगी, एक वड्डा सवाल है।